अगर मर्द हजरात ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी जेबों को भारी कर लें, क्योंकि अगर आपकी वाइफ ने ये वीडियो देख ली तो आपकी जेब खाली हो सकती है। और अगर खवातीन ये वीडियो देख रही है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि पक्का ये वीडियो देखने के बाद आपकी नीयत खराब होने वाली है इन चीजों पर। आज मैं आप लोगों को लग्जरी शॉपिंग दिखाने के लिए आई हूँ, तो चलो चले। वेलकम बैक टू मेमन स्वैग। तो भाई हम जा रहे हैं विंटर एक्सपो, मेरे साथ है मरियम, तो चलो चले चले। तो भाई हिट फिट स्टूडियो के अंदर ये विंटर एक्सपो लगा था और कराची की काफी जगहों पर पूरे साल में कहीं ना कहीं इस तरह के एक्सपो लगते रहते हैं, जहां पर आपको फूड के स्टॉल्स, चाट के स्टॉल, कपड़ों के स्टॉल, ज्वेलरी के स्टॉल, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो भाई मैंने सबसे पहले तो आकर पेट पूजा करी, होम फूडीज से मैंने सिंगापुरियन राइस लिए और पेरी बाइट्स लिए, जो कि टेस्ट में बहुत मजे के थे। और खाने में गोलगप्पे ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। भाई बच्चे तो इस स्टॉल पर टूट पड़े थे, यहाँ पर इतनी क्यूट क्यूट चीजें थी और यहाँ पर विंटर्स के लिए वेलवेट शॉल डीएमसी स्टोन वर्क में कितनी खूबसूरत लग रही है। शॉपर्स वॉय के इस स्टॉल पर काफी अच्छी और अफोर्डेबल शॉल्स थी और चादर थी, तो भाई मुझे तो काफी अफोर्डेबल लगी और मैंने यहाँ से शॉपिंग भी की है। इनकी क्वालिटी मुझे बहुत बेहतरीन लगी, शॉल और चादर का साइज भी काफी अच्छा था। और मैंने शॉपर्स वॉय की रील भी अपलोड की है अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर, तो आप वहाँ पे जाके रेट्स वगैरह हर चीज देख सकते हैं। और यहाँ पर शूज के, स्लीपर्स और सैंडल्स का भी स्टॉल था। भाई इनकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही मुझे। यह है इनका नंबर और शॉप की डिटेल्स। इनके शूज की क्वालिटी काफी अच्छी है और 1500 से लेकर 3500 तक की प्राइस रेंज में आपको डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट मटेरियल में ये स्लीपर्स मिल सकती हैं। आप इनके डिजाइन चेक कर सकते हैं। भाई मुझे तो नहीं आ सकती क्योंकि ये सारी हील्स हैं और मेरी हाइट है 5'10", मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी हील पहन सकती हूँ, ना ही मुझे पहनने का शौक है, क्योंकि मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे ऐसे देखते जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। बट मुझे प्राउड है अपनी हाइट के ऊपर, क्योंकि लोग तरसते हैं इस तरह की हाइट के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे काफी अच्छी हाइट दी है, इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे स्लीपर्स भी थी जिनकी डिजाइन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पर होम बेस्ड मुकवास और पान मसाला का स्टॉल लगा हुआ है, ढोकड़े भी है इनके पास। इनके पास भाई काफी सारी चीजें थी, पान पॉप्स थे, मैंने ये ट्राई नहीं किया। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये है इनका नंबर। ये देखो मेरे साथ एक भुक्कड़ आई हुई है जो कि हर वक्त खाती रहती है, और ये देखो ये किस तरह से ठूस रही है, मतलब इसको कोई होश ही नहीं है, बस मैं खाऊंगी। और यहाँ पर सारी फीमेल्स ने ही स्टॉल लगाया हुआ था, जो कि घर से ऑनलाइन सेल करती हैं अपनी चीजें। भाई यहाँ पे ज्वेलरी इतनी जबरदस्त और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की थी, और एंटीक ज्वेलरी भी थी इनके पास। ज्वेलरी का आगे जाके जो मैं आपको स्टॉल दिखाने वाली हूँ ना, वो इतनी बेहतरीन ज्वेलरी है उनके पास कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको ले लूं। लेकिन अगर मैं उसको ले लूंगी तो फिर मैं पहनूंगी कहाँ पर, क्योंकि मैं तो अबाया पहनती हूँ, अबाया के अंदर तो मैं ज्वेलरी नहीं पहन सकती ना भाई, और मैं पागल तो हूँ नहीं जो घर में ज्वेलरी पहन के बैठ जाऊँ। लेकिन जरूरी नहीं है जो अबाया पहनते हैं वो ज्वेलरी नहीं पहन सकते, ऐसा किसने बोला, मैं तो मजाक कर रही थी भाई। बिल्कुल, जो अबाया पहनती है वो ज्वेलरी पहन सकती है, फीमेल इवेंट्स में तो हम पहन सकते हैं ना भाई। इनकी ज्वेलरी की प्राइस रेंज 1500 से लेकर 10,000 तक की है, और ये है इनका नंबर। भाई इस काफ्तान पे तो मेरा जो दिल आया ना वो मैं बता नहीं सकती। ये इतने खूबसूरत लग रहे थे और इतने बेहतरीन लग रहे थे ना, ये इवेंट्स, ओकेजंस और वेडिंग पे पहनने वाले हैं। और ये है मेरा फेवरेट मोरनी कलर। जी बिल्कुल मोरनी कलर है ये, और ये है लिपस्टिक पिंक कलर लुकिंग लाइक अ वाव। और ये है मेरा फेवरेट वेलवेट ब्लू कलर, और ये है कलेजी कलर। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। भाई ज्यादातर इनके ड्रेसेस सिल्क और वेलवेट के अंदर हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क हुए हुए हैं और डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। ये है कौवा ब्लैक कलर, और ये है सबका फेवरेट ब्लड कलर। इनका आउटलेट भी है तारिक रोड पर, जहाँ पर और भी बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। और ये है इनका कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये है फ्लेक्स आउट के बहुत ही खूबसूरत क्लचेस पर, 1000 to 5000 की रेंज में बहुत ही खूबसूरत आपको क्लचेस मिल सकते हैं यहाँ पर। और भाई कुछ ड्रेसेस यहाँ पर इतने हाई रेट थे ना कि मैं देखकर मैंने बोला चलो बेटा यहाँ से तो निकल लो, क्योंकि जो है बहुत हाई रेट है। और कपड़े की क्वालिटी भी ना मुझे कोई इतनी खास नहीं लग रही थी। ये जो दो स्टॉल्स मैंने आपको दिखाया ना, इनके कपड़ों की क्वालिटी मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ज्यादा शूट नहीं किया। और अब यहाँ पर आ जाए आप बेहतरीन ज्वेलरी के स्टॉल पर। यहाँ पर जो ज्वेलरी थी ना, वहाँ पर मेरा जो दिल आया ना, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती भाई। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी यहाँ पर, मतलब भाई यहाँ पर ना इनके सिर्फ आप डिजाइन चेक करें कि कितने खूबसूरत डिजाइन में बने हुए हैं। प्राइस रेंज तो भाई है थोड़ी सी हाई जो बात है, लेकिन आप चीज भी तो देखे ना कितनी मस्त है। क्रश वर्क के अंदर ज्वेलरी है, स्टोन वर्क है। ये कह रही थी कि यहाँ पर इनके जरखून की भी ज्वेलरी है, और बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त और खूबसूरत और सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये है इनकी डिटेल्स। अगर कोई ज्वेलरी पसंद आई है तो स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट लेकर इनको ऑर्डर कर सकते हैं आप जी। यहाँ पर एक आंटी बैठी हुई थी और ये सारे दुबई के अबाया सेल करती हैं, जो बता रही थी कि कपड़ा भी दुबई का है, स्टिचिंग भी दुबई की है, बस वो दुबई से लाकर यहाँ पाकिस्तान में सेल करती है। और इनके प्राइस है हाई 20,000-15,000 के अबाया है, लेकिन नो डाउट स्टफ क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। मैं खुद भी यूएई के अबाया पहनती हूँ, तो इनको देखने के साथ ही मुझे पता चल गया कि ये दुबई के ही हैं। तो भाई इनका भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, अगर आप चाहें तो इनसे ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर होम बेकर्स भी थे जिन्होंने अपने ब्राउनीज और कुकीज का स्टॉल भी लगाया हुआ था। और ये चाइना की वो क्यूट क्यूट चीजें जो हमारे बच्चे देख लेते हैं तो पागल हो जाते हैं कि हमें ये दिला दो बस। तो इस तरह की चीजों को अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि वो आपकी जेब खाली कर देते हैं इनको देखने के बाद। खैर मजाक कर रही हूँ। तो भाई यहाँ पर इस तरह के भी स्टॉल्स थे जहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट सी चीजें पड़ी हुई थी। ये दिखने में मुझे चाइना की ही लग रही है, आई डोंट नो, लेकिन ये है चाइना की, आई थिंक सो। बताएं आप कमेंट करके। सो फ्रेंड्स, हम जो है वो विंटर एक्सपो से होकर आ चुके हैं और वहाँ पे सारे होम बेस्ड ब्रांड्स ने अपने स्टॉल लगाए हुए थे और कुछ शॉप वालों ने भी लगाए हुए थे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे वहाँ पे जो है चीजें बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, अच्छे ब्रांड्स थे, लेकिन जो है उनके प्राइजेस बहुत ज्यादा ओवर प्राइस थे। मटेरियल बहुत अच्छा था एक तो, लेकिन उसके हिसाब से भी ना प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई थे, बहुत ज्यादा फैंसी प्राइजेस थे, लग्जरी प्राइजेस थे, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब सो लगा, चीजें अच्छी थी बट प्राइस बहुत ज्यादा थे। जी बिल्कुल सही कह रही है, वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह बहुत जबरदस्त थी और मुझे जो है वो एंटीक ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो मेरा तो फोकस था ज्वेलरी पर, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा थे। और वहाँ पर दुबई के अबाया भी थे और स्टॉलर्स शॉल के मुझे प्राइस थोड़े से कम लगे, है ना? हमने वहाँ से शॉपिंग भी की है, ये हमने वहाँ से शॉपिंग की है, और उनके जो स्टॉलर्स थे और शॉल्स थी, चादर थी, उनके प्राइस जो थे वो थोड़े से अफोर्डेबल थे, 2,000-2,500 इस तरह के। तो भाई अगर आपको इस तरह की और भी शॉपिंग व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो भाई चैनल को करो सब्सक्राइब, बराबर में बेल आइकन को दबाओ। अब हमें कहाँ से जाना है? सीधा जाना है। तो भाई ड्राइविंग करते हुए देखो, ये लड़की मुझे जो है एक्सीडेंट करवाई, बीच में जो है अटक गए हम। तो भाई डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बाकी बहुत सारे जो है वो मजेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। बाय बाय, वीडियो को शेयर भी करो।